पाकिस्तान के स्पीड स्टार फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का एक बयान निकल कर सामने आया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के हवाले से। शोएब अख्तर का कहना है कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल में खेलता हुआ देखना चाहता था और जो भारत की टीम है वो सेमीफाइनल में डिजर्व करती थी खेलना, क्योंकि जो गुज़िश्ता दो मैचेस में भारत की टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है भारत की टीम डिज़र्व करती थी, लेकिन जो उन्होंने पहले दो मुकाबले खेले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ उनमें भारत की टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से भारत की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुकी है, क्योंकि भारत की टीम अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला जारी है उसके ऊपर इन्हिसार कर रही है, और अगर जहाँ से अफगानिस्तान जीता तो फिर भारत की टीम आगे जाएगी, और अगर अफगानिस्तान हारा तो फिर दोनों घर जाएंगे अफगानिस्तान और भारत। तो जो पाकिस्तान के शायकीन हैं वो भी कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होता, लेकिन कुछ हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत की टीम और पाकिस्तान का एक बार फिर मुकाबला होता, भारत को घर जाना चाहिए था। तो आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या आपको भी लगता था कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा। तो आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार करना, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्रिकेट की जितनी भी अपडेट हो।